वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे पीलीभीत जंक्शन से शाहगढ़ तक, जैसा आप सब जानते हैं लगभग 22-23 किलोमीटर के आसपास का जो अब हमारा रेलखंड बचा है अमान परिवर्तन में पैकेज 3 में। जैसा मैलानी से आप जानते हैं पीलीभीत तक होना था कार्य, उसमें मैलानी जंक्शन से आगे इज्जत नगर मंडल में शाहगढ़ तक जो ट्रैक वर्क है कंप्लीट हो गया, उसका CRS निरीक्षण करा लिया गया था। लेकिन हालांकि अभी उस पर रेल विद्युतीकरण के कार्य चल रहे हैं तो रेलगाड़ियों को विस्तार अभी तक नहीं मिल पाया है। रेलगाड़ियाँ अभी फ़िलहाल लखनऊ मंडल में मैलानी जंक्शन तक आ रही हैं, उसके आगे अभी ट्रेन्स नहीं आ पा रही हैं। तो यहाँ पर एक अंडरपास का निर्माण किया जाना था, कार्य चल रहा था, फिलहाल कार्य रुका हुआ है क्योंकि ये मानसून का महीना है बारिश का। तो जगह जगह छोटे मोटे छुटपुट कार्य, जैसे द्यूरी है या संदई है या माला है, हमारा जो क्रॉस स्टेशन अब बनेगा, तो छुटपुट कार्य अभी साफ़ सफाई के या कुछ अप्रोच रोड ठीक करने के इक्का दुक्का शुरू हो रहे हैं, कार्य कुछ चल रहा है। लेकिन फ़िलहाल अभी कार्यों में कहीं पर भी कोई तेज़ी आपको नज़र नहीं आएगी। जैसा पूर्व में भी हमने वीडियोस किए थे द्यूरी हॉल्ट का, वहाँ पर प्लेटफॉर्म तैयार हो गया था, एक छोटा सा टिकट घर, छोटी सी बिल्डिंग वो तैयार कर ली गई है और सामने उसके रेलबेड तैयार हो गया था, लेकिन अभी ट्रैक बिछाने का कार्य वहाँ पर नहीं हुआ है। और पीलीभीत जंक्शन से द्यूरी तक, द्यूरी हॉल्ट तक जितनी पुल और पुलियाँ थीं उनका निर्माण होना अभी सब बाकी है, वो सारा कार्य अभी अधूरा पड़ा है। ये बाहर से जो बाईपास जाएगा, यहाँ पर ROB आएगा एक, जो कि पूरनपुर की दिशा से लोग आएंगे और जिनको खटीमा जाना है टनकपुर, वो बाहर जा सकें, पीलीभीत उनको जाना ना पड़े। तो यहाँ पर से उसके नीचे से रेलबेड ये निकलेगा। यहाँ पर भी जो हालात हैं रेलबेड के, ज्यों का त्यों है। अभी रेलबेड भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, मुकम्मल नहीं बना है। कुछ कार्य पीलीभीत जंक्शन के जो हमारा ट्रैक आएगा मैलानी की दिशा में जो जाएगा, शाहगढ़ पर मिलना है जिसको, तो ठोकर लाइन जहां पर हमारी है स्टॉपर लगा है, उसके बाद वो हमने आपको पूर्व के वीडियोस जो किए थे उसमें दिखाया था कि कुछ हद तक वहाँ पर साफ़ सफाई करके एक रेलबेड को बनाने की कोशिश की गई है, थोड़ा सा कार्य वहाँ पर हुआ था। लेकिन अभी वहाँ से पीलीभीत जंक्शन के आउटर से जहाँ पर स्टॉपर लाइन हमारी ख़त्म हो रही है, ट्रैक आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके लिए जो रेलबेड है अभी वो पूरी तरह से द्यूरी तक और उसके बाद फिर आगे वो बढ़ेगा माला की दिशा में। तो आपको हमने दिखाया था कि पैचेस में अभी जो रेलबेड है वो तैयार हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से सब जंगली घास उगाई है और ये ROB जो हमारा यहाँ पर अभी ऊपर आना है, रेलवे ने अभी इस पर कोई कार्य नहीं किया है। और फिर जब ट्रैक चालू हो जाएगा, पड़ जाएगा कभी भविष्य में, तो फिर ये सब कार्य पेंडिंग हो जाते हैं, लेट होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम ये जो फ्लाईओवर यहाँ पर दिया जा रहा है, एक ROB आएगा, ये कंप्लीट हो जाए, जो आउटर रिंग रोड या बाईपास बनेगी, ताकि बाद में कार्य पेंडिंग ना रहे और लोगों को फिर दिक्कत ना हो। तो इसका कार्य भी रुका हुआ है, जो ROB यहाँ पर पूरा ये बनेगा आउटर रिंग रोड एक प्रकार से, ये कार्य सड़क निर्माण का ये भी रुका हुआ है, दिख रहा है फिलहाल। यहाँ कोई मजदूर लेबर या आपको मशीन्स नहीं नज़र आ रही होंगी। वैसे ही हमारे रेलबेड का हाल है, कोई साफ़ सफाई और जो जहाँ पर अलाइनमेंट आएगा हमारा, यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं जो जंगली घास जैसी आप पूरा देख रहे हैं सामने इधर पीलीभीत जंक्शन की दिशा में, तो यहाँ पर भी अभी पूरा जो ये साफ़ सफाई होनी है घास की और पूरा प्रॉपर फिर लेवलिंग की जाएगी, रोलर चलेगा, पानी का छिड़काव होगा और उसके बाद ये पूरा फिर रेलबेड जो है ये तैयार किया जाएगा। बगल से ये कच्चा रास्ता जो है ये बना दिया है, क्योंकि आगे बीच बीच में जो रेलबेड है काफ़ी चौड़ा, एक हाईवे जैसा, हमने पूर्व में भी कई बार दिखाया इस चीज़ को, इन्होंने बनाया है। तो अभी जो पुल और पुलियां हैं उनको कंप्लीट होने में लगभग 6 महीने का समय कहीं नहीं गया है, आप पकड़ करके चलिए। और कार्य जो लेबर अब लगाई जाएगी, कोई भी ठेकेदार बारिश के अंदर कार्य नहीं लगाता है, क्योंकि अभी मानसून चल रहा है और इधर तराई के क्षेत्र में बारिश बहुत होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो कार्य अवरुद्ध होता है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है बारिश ख़त्म हो जाने के बाद ही अब कार्य शुरू होंगे, क्योंकि सितंबर के आसपास से आप मान के चलिए कि कार्य फिर से शुरू होंगे जब बारिश यहाँ समाप्त हो जाएगी। उसके बाद ये सारा साफ़ सफाई करके ये जो अलाइनमेंट यहाँ पर आएगा ब्रॉड गेज का, जो ट्रैक हमारा जाएगा अब द्यूरी की दिशा में, फिर यहाँ सारी साफ़ सफाई करके जैसा मार्किंग की जा रही थी और अलाइनमेंट पूरा उसका तैयार करके, उसके बाद फिर कहीं जा करके जब ये पुल और पुलिया सब कंप्लीट हो जाएंगी और रेलबेड हमारा
ठोकर लाइन से द्यूरी तक ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद ही ट्रैक बिछाने का जो कार्य है फिर वो शुरू होता है। हालांकि पैचेस में जहां जहां रेल बेड तैयार हो गया है, बन चुका है, वहां पर भी ट्रैक को बिछाया जा सकता है। कंक्रीट के स्लीपर्स को रख करके रेल्स बांधी जा सकती हैं, तो पैचेस में, टुकड़ों में ट्रैक को बिछाने का कार्य किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जब पूरा ही तैयार हो जाए तभी करें, क्योंकि ये ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर या प्रोजेक्ट पे जो हमारे साइट इंजीनियर है वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कितना हमारा सेगमेंट रेल सेक्शन का, कितना रेल बेड हमारा तैयार हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और मानसून के बाद ही, चूँकि मानसून जब बीत जाएगी, बारिश तेज़ पड़ेगी, उसके बाद रेल बेड को चेक करेंगे, कहीं कहीं पर मिट्टी का कटाव हुआ होगा, कहीं हो सकता है मिट्टी धंस गई हो, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। एक बारिश रेल बेड को ये लोग देखते हैं तैयार करने के बाद, और उसके बाद फिर उसको ठीक करके, रिपेयर करके, उसके बाद मार्किंग होगी, उसके बाद स्लीपर्स को डाल करके रेल्स बांधी जाएंगी, ट्रैक बिछाने का कार्य शुरू होगा। और जब बारिश ख़त्म हो जाएगी तभी पुल और पुलिया जो अभी रह गई हैं, 4-5 पुलियाएँ ज़रूर हैं जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, 5 या 6 कुछ पुलियाएँ हैं जो अभी बननी बाकी हैं। एग्जैक्ट नंबर तो मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो वीडियो में मेरे पास क्लिप्स आई थी और जो मैंने देखा जहाँ तक, तो 5-6 पुलियाएँ हैं जो कि बननी बाकी हैं। यहाँ पर आगे आप फिर देख सकते हैं कि रेल बेड किस प्रकार से तैयार हो चुका है। काफ़ी चौड़ा रेल बेड यहाँ पर तैयार है, लेकिन अभी जैसा आप देख सकते हैं कि बीच बीच में जो बजरी है, बैलास्ट, वो अभी पड़ा हुआ है और साफ़ सफाई भी अभी होनी बाकी है। और जब ये पूरा रेल बेड तैयार हो जाएगा, पुल और पुलियाँ बन जाएंगे, 6 महीने इसमें कहीं नहीं गए हैं, और द्यूरी के आगे तक भी काफ़ी हद तक, माला का जो बॉर्डर है हमारा, वहाँ तक भी रेल बेड काफ़ी तैयार कर लिया गया है। और पुल और पुलिया का निर्माण होने के बाद जब कंक्रीट के स्लीपर्स फिर बिछाए जाते हैं, ट्रैक बंधना शुरू होगा, तो उसके बाद साथ में फिर केबल डालने का काम जो होता है, देखिए टेक्निकल काम भी बहुत सारे होते हैं रेलवे में। तो आपको ये 22-23 किलोमीटर का सेक्शन लग रहा होगा कि दूरी बहुत कम है, क्योंकि जब आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आधे घंटे में इतनी दूरी या 40 मिनट में ट्रेन पूरी कर लेती है, लेकिन कार्यों को होने में बहुत अधिक समय लगता है। 1.5 से 2 साल का समय आप मान के चलिए कहीं नहीं गया है, और 2024 हम मान के चल रहे हैं कि पीलीभीत से शाहगढ़ तक कार्यों को पूरा होने में, अगस्त का महीना आ गया है, 4 महीने 2022 के, 12 महीने पूरे आप 2023 के पकड़ के चलिए, और 2024 में जाकर के आप मान करके चलिए कि कहीं जाकर के सेक्शन जो है कमीशन्ड होगा, रेलगाड़ियां चल पाएंगी, क्योंकि अभी इसमें 18 महीने जैसे कहीं नहीं गए हैं, समय लग जाएगा, क्योंकि सिग्नल के लिए सारा जो केबल पड़ता है, केबलिंग, जंक्शन बॉक्सेस लगेंगे, जो कम्युनिकेशन की लाइन जाएगी, जो स्टेशन मास्टर एक दूसरे से बात करते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में एक सेक्शन के अंदर, तो सिग्नल वर्क, जंक्शन बॉक्स, केबल को सारा डाला जाना, फिर पैनल रूम माला में होगा, बनेगा, क्योंकि माला में अब नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स 2 हो जाएंगे, 3 ट्रैक्स वहाँ पर शायद हों, क्योंकि क्रॉस स्टेशन बनेगा वो पूरा, तो बाकायदा वहाँ पर उसके लिए कार्य चल रहा है, शुरुआत हो गई है। और अभी संदई, जहाँ पर आप शागर से आगे चलते हैं, उस दिशा में भी कुछ पुलियाएँ रह गई हैं संदई की दिशा में, फिर वहाँ से आगे ठीक संदई के बाद एक कैनाल पड़ती है, जिस पर पुराना एक मीटर गेज का पुल है, वो आज तक अभी वैसे ही पड़ा हुआ है, डिसमेंटल नहीं हुआ है, उसके बगल से फिर नया ट्रैक बिछाया जाएगा, तो नया ब्रॉडगेज का पुल वहाँ पर आएगा, फिर वहाँ से जो माला का बॉर्डर शुरू होता है, मेन हमारा फॉरेस्ट, जंगली घास फूस पेड़ वहाँ पर सब उगे हुए हैं, अभी वहाँ पर अंदर छोटी लाइन भी कहीं पड़ी हुई है, वो पूरा अभी उधर से साफ़ सफाई होते समय लगेगा। तो 18 से 24 महीने का समय आप मान के चलिए कि इतने कार्य होने के बाद भी लगभग 1.5 से 2 साल का समय लग जाएगा इन कार्यों को पूरा होते, क्योंकि जंगल में कार्य करने का जो समय है वो सीमित है, शाम को 4 बजे के बाद वहाँ कार्य नहीं होगा, तो ये सारे जो नियम और शर्तें हैं उसके साथ ही माला में भी कार्य हो रहा है। और बारिश के बाद हम आपको माला, संदई, द्यूरी और फिर से पूरी जो अपडेट्स हैं आपको हम डिटेल में अपडेट्स देंगे ला करके, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, एज सच कोई ख़ास बहुत बड़ा मेजर काम अभी नहीं चल रहा है, छोटे मोटे कार्य हो रहे हैं जगह जगह, और अभी उतनी लेबर कहीं नज़र नहीं आ रही आपको, ये आप देख सकते हैं हाल आगे किस प्रकार से है। तो अभी जो रेल बेड है मुकम्मल, उसको बनाने में, तैयार करने में समय लगेगा, और वर्ष 2023 से जा करके कुछ
कार्य की सूरत आपको समझ आने लगेगी कि अभी कम से कम 4 महीने तो कहीं नहीं गए, आप मान के चलिए कि अगस्त से दिसंबर का टाइम आराम के साथ लग जाएगा जब तक ये सारी चीज़ें सही होंगी और सारा रेल बेड साफ़ सफाई करके बिल्कुल एक अलाइनमेंट में पूरा ट्रैक के लिए तैयार किया जाएगा। तो इसमें अभी 4 महीने तो समय कहीं नहीं गए, पीलीभीत जंक्शन की साइड से भी जैसा हाल है आप सामने देख सकते हैं वीडियो में, लेबर कहीं नज़र नहीं आ रही, ना कहीं कोई मशीन नज़र आ रही है। लेटेस्ट विजुअल है ये आज का, तो आप देख सकते हैं कि 2 अगस्त को क्या सूरत हाल है नागपंचमी के दिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट अपडेट में कि कार्य अभी काफ़ी बाकी हैं और पीलीभीत से शागर तक या पूरा मैलानी तक जुड़ेगा जो हमारा सेक्शन खुलने में 2024 हम लोग मान के चल रहे हैं कि आ जाएगा। इससे पहले तो होता मुझे नज़र नहीं आ रहा है, हो गया तो बहुत बड़ा कोई चमत्कार आप इसको समझिएगा, क्योंकि जितने ये कार्य हैं बहुत जटिल कार्य हैं, इसमें बहुत सारा टेक्निकल काम अभी बाकी है जिसमें सिग्नलिंग का काम, पैनल रूम, जंक्शन बॉक्सेस, इसमें बहुत समय लगता है इन सब चीज़ों को सेट करते। तो ये था एक अपडेट, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।